भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख खासियत मानी जाती रही है गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट। इसकी शुरुआत हुई थी संसार के दो ध्रुवों में बंटने के साथ। एक ध्रुव की चौधराहट कर रहा था अमेरिका और दूसरे का मुखिया था सोवियत संघ। ये दोनों महाशक्तियां आपस में मुठभेड़ की मुद्रा में खड़ी थीं और ऐसा लगता था कि इनमें से किसी न किसी एक को बाकी राज्यों को, दुनिया की बड़ी शक्तियों को, छोटे राज्यों को चुनना ही होगा। किंतु भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया। भारत ने इस सिद्धांत को सामने रखा कि यदि हमें अपनी नई हासिल आज़ादी को बरकरार रखना है तो हम किसी के पिछले हुए नहीं बन सकते। यदि हमने अपना आर्थिक विकास करना है, अपने यहाँ सामाजिक न्याय करना है, तो हमारी आंतरिक नीतियों में स्वाधीनता के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम किसी एक सैनिक संगठन या महाशक्ति के साथ न जुड़ें। और इसको एक भारतीय विद्वान केपी कर्णाकरन ने बड़े चुस्त मुहावरे में नाम दिया था, आउटसाइड द कॉन्टेस्ट, यानी संघर्ष के क्षेत्र के बाहर रहने का निर्णय। जब नेहरू की आलोचना इस सिद्धांत के लिए की गई कि वो अवसरवादी हैं, मौका परस्त हैं, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि गुटनिरपेक्षता न तो नादान भोलापन है न आदर्शवाद, बल्कि वह अपने राष्ट्रहित के ध्यान विमर्श के बाद विवेकपूर्ण फैसला करने की आज़ादी को अपने पास सुरक्षित रखने का एक प्रयास है। तब से अब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। नेहरू ने जब गुटनिरपेक्षता की बात की तो उनका साथ दिया अनेक ऐसे अफ्रो एशियाई नेताओं ने जो नए नए भारत की तरह ही विदेशी गुलामी से मुक्ति पा चुके थे। इंडोनेशिया के सुकार्नो उनमें प्रमुख थे, मिस्र के कर्नल अब्दुल गबाल नासिर उसमें प्रमुख थे, टीटो प्रमुख थे, यूगोस्लाविया के और कंबोडिया के नरोदम सेहनोक थे। इन पांच को लगभग संस्थापक माना जाता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। और गुटनिरपेक्षता की नीति अप्रत्यक्ष रूप से मगर काफ़ी सार्थक तरीके से मजबूत करती रही थी अफ्रो एशियाई भाईचारे को, एटमी हथियारों के निशस्त्रीकरण के अभियान को और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को। आगे चलकर घाना के अंकुमा भी इसमें जुड़ गए और ये कहा जा सकता है कि सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व गुटनिरपेक्षता के आंदोलन में था। जहाँ तक अमरीकियों का सवाल है, उनको गुटनिरपेक्षता कभी विरासत नहीं आई। डेरिस का जो सिद्धांत था, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है, उस पर वो बरकरार रहे। मगर गुटनिरपेक्ष देशों को जब पश्चिमी देशों से आर्थिक और तकनीकी सहायता नहीं मिली जिसकी पेशकश सोवियत संघ ने की, तो उनका रुझान झुकाव सोवियत संघ की तरह होने लगा। और इसकी पराकाष्ठा या हद तब हो गई जब क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो ने एक बार कहा कि गुटनिरपेक्ष देशों का स्वाभाविक मित्र सोवियत संघ है, तो ऐसा लगने लगा कि गुटनिरपेक्षता अब वास्तव में गुटनिरपेक्ष नहीं है। यही बात तब भी कही गई जब श्रीमती गांधी ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के पहले सोवियत संघ के साथ एक मैत्री और शांति की संधि की, तो लगा कि गुटनिरपेक्ष भारत अब गुटनिरपेक्ष नहीं रह गया है। कुछ लोगों को ये लगता है कि आज की दुनिया में गुटनिरपेक्षता की कोई ज़रूरत नहीं रह गई, गुटनिरपेक्षता जीवित नहीं रह गई, जब विश्व दो ध्रुवीय ही नहीं है तो फिर गुटनिरपेक्षता किस बात की। मगर अगर आप गंभीरता से देखें और सोचें तो ये बात साफ होते देर नहीं लगती है कि आज भी विश्व एक ध्रुवीय नहीं है। एक ओर अमेरिका है जो भूमंडलीकरण का प्रचार कर रहा है, तो दूसरी ओर चीन है जो अपनी शर्तों पर भूमंडलीकरण को और पश्चिमी आधुनिकीकरण को स्वीकार या अस्वीकार करता है। पुतिन के शासनकाल में राजकाज में रूस फिर एक ऐसे राष्ट्र राज्य के रूप में उदय हो रहा है जो पश्चिम की हर बात को मानने को तैयार नहीं है। और भले ही आज पुरानी गुटनिरपेक्ष बिरादरी के बहुत सारे देश टूट चुके हैं, यूगोस्लाविया जैसे बिखर चुके हैं, मिस्र जैसे, कंबोडिया जैसे नगण्य हो गए हैं, इंडोनेशिया पूरी तरह अमेरिका के साथ जा चुका है विचारधारा के आधार पर, मगर भारत की अपनी हस्ती और अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि भारत अपनी गुटनिरपेक्ष असांग्रह छवि को बरकरार रख सके। शायद गुटनिरपेक्ष शब्द को बदलने की ज़रूरत है। उसे आप गुट न कहें और असंलग्न कहें, तो किसी भी दूसरी शक्ति के साथ यदि आप जुड़े नहीं हैं, असंलग्न हैं, समसामीप्य है, अंग्रेजी में इक्वा डिस्टेंस जिसे कहते हैं, आपने अपने राष्ट्रहित में इस दूरी को एक विशेष क्षण में बराबर दूरी पर रखा है, तो मुझे लगता है कि इस नीति की संभावना और इस नीति की ज़रूरत आज भी भूमंडलीकरण के इस युग में बची हुई है।